कुछ साल पहले कई लोग कहा करते थे कि जब भी हम सुबह अखबार पढ़ने के लिए बैठते थे तो हमें कोई ना कोई एक रेप या मर्डर का केस फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाता था। लेकिन आज का ऐसा टाइम है कि जब हमें एक नहीं बल्कि दो से तीन से ज्यादा ऐसी घटना देखने को मिलती है। जी हाँ, आरजी कार अस्पताल की घटना के कुछ ही घंटों बाद हमें बिहार और झारखंड में भी सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिला। यही नहीं, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में डेली 90 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए हम इस छोटी सी वीडियो में इन तीन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कम से कम कुछ हद तक इन केसेस को मिनिमाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। जिनमें सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोबाइल कोर्ट्स एंड स्विफ्ट फायर। मोबाइल कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट के बाद लोगों में ज्यादा अवेयरनेस फैल सकती है, रूरल एरियाज में लोगों तक ये बात पहुंच सकती है, वहां तक भी जस्टिस आसानी से और फास्टली लोगों को मिल सकता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फॉरेन कंट्रीज में इसे बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि वेरिएबल डिवाइसेस या फिर पैनिक बटन, जिससे इमरजेंसी के केसेस में इन डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में नियर बाई स्टेट अथॉरिटीज, पुलिस और क्लोज रिलेटिव फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे डेजिग्नेटेड एप्स बनाए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जहां पर गवर्नमेंट्स के पोर्टल्स पे आप डायरेक्टली एविडेंसेस को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज है। पिछले कई सालों से एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल क्रिएट हो गया है जहां पर हम सब उस हद तक जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जैसे कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कई सारी ऐसी वेब सीरीज हैं जो गलत तरीके से वुमेन्स को ग्लोरीफाई करती हैं एज एन ऑब्जेक्ट। इसी के साथ साथ इससे हम बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, प्लस जो एडवर्टीजमेंट में न्यूडिटी है और जो इन सारी चीजों से एडिक्टेड हैं उनकी भी रिहैबिलिटेशन करना जरूरी है और ये भी एक बहुत बड़ा इशू। इसीलिए हमें गवर्नमेंट को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी और हम लोग को इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको समझने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की जरूरत है। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर